आप जबरदस्ती मीडिया के साथी विषय को मिर्च मसाला लगाना चाहते हैं, ये कहीं कोई टकराहट नहीं है, कहीं कोई झंझट नहीं है। हमको लगता है आप लोग क्यों इतना परेशान, क्यों झगड़ा लगाना चाहते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जदयू और बीजेपी में कोई टकराहट नहीं है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री में टकराहट नहीं है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का झगड़ा नहीं है। बीते दिनों रामसूरत राय के ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए अधिकारियों पर नीतीश कुमार ने रोक लगा दिया था। नीतीश कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी थी, जिसके बाद से बीजेपी और जेडीयू के बीच विवाद जो है वो एक बार फिर सामने आया था। और अब कहा जा रहा था कि रामसूरत राय जो है वो इस्तीफा दे देंगे, मगर आज रामसूरत राय ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार सबसे मिलते हैं और जेडीयू और बीजेपी के बीच कोई खटास जो है वो नहीं है। बयानों से आप समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के मंत्री भी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और कोई नाराजगी नहीं है ये बात कह रहे हैं। पूरा बयान सुनिए रामसूरत राय का। जो आपकी सहयोगी पार्टी है, बाकी लोगों का कहना है कि मंत्रियों की या किसी की नाराजगी की कोई बात नहीं होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग यदि नाराजगी का कारण नहीं होना चाहिए। कोई नाराजगी नहीं है, नियम संबद्ध कानून से काम होता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई झगड़ा लफड़ा कोई बदनामी नहीं। लेकिन कहा जा रहा था कि ट्रांसफर जो पोस्टिंग हुआ उसमें आप नाराज थे, कोई नाराजगी नहीं, कहाँ नाराज हमें, कहाँ हम इस्तीफा दे दिए, कहाँ हम नहीं जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। बयान को लेकर कुछ बयान नहीं, जो भी बयान है उसको कोई टीका टिप्पणी नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं। सर, पर आप कैबिनेट की बैठक में भी शामिल, सरकार हमारे पर नतनी का जन्मदिन, सरकार और मुख्यमंत्री से पता कर लीजिएगा, सरकार और मुख्यमंत्री से क्या नाराजगी। सरकार मुख्यमंत्री हमारे तो गार्जियन है, अभिभावक है, बिहार के मुख्यमंत्री है, उसे कोई नाराजगी नहीं, कभी मेरा ऐसा कोई खबर नहीं निकलता। आप जबरदस्ती मीडिया के साथी विषय को मिर्च मसाला लगाना चाहते हैं, ये कहीं कोई टकराहट नहीं, कहीं कोई झंझट नहीं। हमको लगता है आप लोग क्यों इतना परेशान है, क्यों झगड़ा लगाना चाहते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जदयू और बीजेपी में कोई टकराहट नहीं है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री में टकराहट नहीं है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का झगड़ा नहीं है, सारे समस्याओं का निष्पादन समय पर स्वाभाविक तौर पर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सक्षम है, सबसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको समय देते हैं, चिंता मत कीजिए आप। विजेंद्र यादव का कहना है कि जो भी बात है वो मंत्री से मिल जाए। विजेंद्र बाबू श्रेष्ठ गार्जियन हम लोग के हैं, अब क्या कहते हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं, इस मंत्रिमंडल में बहुत कम उम्र के लोग हम हैं, इसलिए बहुत टिकट नहीं है। मैंने कहा था कि दोनों पार्टी में कुछ लोग हैं तो मतलब बिना वजह बोलते हैं या अच्छा लोकतंत्र है, आप मीडिया वाले बुलवाना चाहते हैं, बेचारे लोग बोल देते हैं, हम लोग जैसे नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप समझ से जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। सब ठीक हो गया है, माना जाए सब ठीक है, ये है तो हो क्या गया, खराब कब हुआ था को लेकर जो है कोई अग्नि। तो आपने सुना रामसूरत राय को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते हैं वो एकदम ठीक है। जो बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बात रामसूरत राय ने साफ कर दिया है। पूरे घटनाक्रम को हमने आपको बताया किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग जो रामसूरत राय ने की थी उसे नीतीश कुमार ने रोक दिया था, जिसके बाद से नाराज चल रहे थे रामसूरत राय, मगर अब कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। अब आगे क्या कुछ होता है, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते बनते हैं या फिर बिगड़ते जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।